we are on 25 stalls. And please tell me something about the stall number 24. Please tell me about the okay. And what is the price? Price is 15 rupees. Two ball. इनकी two chance दोगे आप 15 में. और 20 में आप फ्री चेंज होगी. इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट को कि ये जो भी इस गेम को प्ले करेगा उसमें इस बॉल से ये सारे ग्लासेस को है ना फॉल डाउन करना होगा. अगर ये गिरा देते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं जो दे भी गए. नाउ वी आर ऑन स्टॉल नंबर 23. बकेट गेम. इसमें क्या है बकेट गेम में? इसके अंदर ओके मैम आइए एक बार दिखाइए बैंगल. पॉइंट अगर मैम तो उनको रिटर्न मिल रही है, यानी कि इस बैंगल के अंदर ही बिल्कुल सेंटर पार्ट में ही आपका कॉइन जाना चाहिए. अगर कॉइन चला जाता है देन डबल पैसे मिलेंगे. अच्छा डबल मिलेंगे जितना भी ये प्ले करें. जस्ट सपोज मैंने यहाँ पर 20 का प्ले करा तो यू विल गिव मी 40 रुपीज. ओके दैट्स ग्रेट. नाउ वी आर ऑन स्टॉल नंबर 22. हाउ कैसे थोड़ा आप हमें बताइए डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू. ओके ओके मतलब इस तरीके से करना होगा. एंड आपने प्राइस क्या रखा है इसका? 10 rupees for 2 minutes. ओके नाउ वी आर ऑन स्टॉल नंबर 21. कितना डेकोरेटिव वे में है, एकदम अट्रैक्ट होके एकदम ऐसा लग रहा है बहुत अट्रैक्टिव है. तो काफ़ी अट्रैक्टिव के यहाँ पर देखा जाए तो टू गुड. ओके नेक्स्ट वी आर ऑन स्टॉल नंबर 14 राइट नाउ. प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर स्टॉल. ओके तो ये सर्व कर रहे हैं समोसे एंड कोल्ड ड्रिंक. और समोसे की अच्छा चटनी, ये समोसे के साथ ही चटनी भी दे रहे हैं एंड कोल्ड ड्रिंक है. तो अगर आप रिफ्रेशमेंट में अगर आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए आप ये देखिए यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी आपकी और समोसे आपको ये मिल रहे हैं. आगे आ जाते हैं स्टॉल नंबर 13. हाँ तो इनका कहना ये है कि इन्होंने पहले पास्ता बॉइल करा. आफ्टर डेट इन्होंने जो फ्राइंग पैन है उसमें जो भी इनका सामान था जैसे इन्होंने टमेटो है और आपका आनियन है और जो भी चीज़ें हैं वो मिक्स करी उनको फ्राई करा. उसके बाद इन्होंने पास्ता डाला और आलू देखिए कितना टेस्टी पास्ता बनाए. नाउ स्टॉल नंबर 17. ओके ओके देखा आपने इन्होंने
एक स्पेशल डी डिश बनाई है जिसका नाम है लॉन्ग चिप। तो जिसमें इन्होंने बेसन से आपको डिफरेंट कलर में, ये देखिए डिफरेंट कलर में इन्होंने इस तरीके से आपके यहाँ चिड़े बनाए हैं, और जिसके साथ ये सर्व कर रहे हैं ये देखिए रेड सॉस। सो बहुत यम्मी होगा ये, ठीक है। आ जाते हैं स्टॉल नंबर 16 पर, बच्चे हैं आपके, सैंडविच। तो ये सैंडविच है, ये बताएंगे अपने स्टॉल के बारे में। सैंडविच में हमने वो पत्ता गोभी डाला है, और ना वेजिटेबल ही है, और गोभी और चीज और पनीर और तो देखिए ये सैंडविच बना रहे हैं जिसमें इन्होंने टोटली हेल्दी फूड का यूज़ करा है, ठीक है। जिसमें इन्होंने पनीर वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स इन्होंने यूज़ किए हैं, और मेयोनीज वगैरह भी यूज़ की जो आजकल काफ़ी पसंद की जाती है। गुड, आ जाते हैं अब स्टॉल नंबर 15। यस, क्या बना रहे हैं? ग्रीन वेजिटेबल सैंडविच एंड ग्रीन पनीर सैंडविच। ग्रीन, ओके, ग्रीन, ओके। बताइए और कुछ, थोड़ा शो करिए हमें। ओके, ये पनीर टिक्का सैंडविचेस, ओके, और ये वेजिटेबल सैंडविच, ओके। माय नेम इज इब्राहिम एंड इट्स आवर शूटिंग जोन। इफ यू शूट द बलून यू विल गेट, ओके। यानी कि इस गेम में इनका है कि इन्होंने ये गन है आई थिंक, इस गन से इन्हें जो बलून है इनको शूट करना होगा। अगर हम कोई भी एक बलून शूट कर देते हैं तो उसके भी यहाँ पे हम कोई भी एक अपने अकॉर्डिंग से शूट कर सकते हैं। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ये बैलून के अंदर इन्होंने चिप रखा हुआ है, उस चिप के अंदर जो भी मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको गिफ्ट होगा। प्राइस क्या रखा है? नाउ तो इसमें क्या है कि इन्होंने ये रिंग्स रखे हैं, इन रिंग्स में इन्होंने 20 रुपीज़ 3 चेंज दे रहे हैं एंड 30 रुपीज़ 5 चेंज दे रहे हैं, जिसमें ऐसे हमें इसको प्ले करना है, और जिस भी आपके आइटम के अंदर ये चला जाता है वो आइटम स्टॉल से लेके चलते हैं। प्लीज स्टॉप, इसके साथ साथ ये फॉन इंटरनेशनल की डेकोरेशन, ये हमारी मैम मैम, ये मैनेजमेंट मैम, मैनेजमेंट का पार्ट मैम, क्योंकि जिनकी ही हेल्थ की पूरी डेकोरेशन हो रही है हमारी, ये बच्चों के द्वारा ये मेकिंग दिए हैं, ये देखिए बच्चों ने ही दिए बनाए हैं, ये देखिए क्रिएटिव, ये हमारे ड्राइवर मैम है, और ये रंगोली, ये लक्ष्मी जी के पैर, ठीक है। इसके अलावा ये रंगोली जो डिफरेंट हाउस के बच्चों ने, रंगोली कंपटीशन हुआ था हमारे स्कूल में यस्टरडे, तो ये हाउस वाइज है, ये नेहरू हाउस के स्टूडेंट आई मैम, एंड ये आपके इंदिरा हाउस, अंदर आइए, अच्छा बन गया, उसके द्वारा आपकी बनाई है, एंड लास्ट वन इज टैगोर हाउस। इसी के साथ ये हमारा रिसेप्शन, और रिसेप्शन ये रिसेप्शन की पूरी पर,
ओके तो यहाँ देखिए मतलब दोनों ही कंडीशन में आप देंगे तो यहाँ पे इन्होंने ये आपके चिप रखे हुए हैं क्या प्राइस है 15 ईच आपकी चिप का प्राइस उन्होंने 15 rupees रखा हुआ है जिसमें अगर जो भी छोटी चिप है उसमें आपका कुछ निकलता है सपोज कोई चिप है उसमें फ्रूटी निकली है तो यू विल गेट फ्रूटी अगर कुछ नहीं भी निकलता है उस कंडीशन में ये इस तरीके से उन्होंने नंबर डाले हुए हैं 4 अब चेक करना होगा कि 4 नंबर पे क्या है 4 नंबर पे आपका हैंकी है ये तो ये ब्यूटीफुल हैंकी दे विल गेट और अगर कुछ नहीं निकलता है उस कंडीशन में भी इन्होंने बच्चों के लिए चॉकलेट इस तरीके से कैंडीज रखी हुई है सो वेरी गुड नाउ वी आर ऑन स्टॉल नंबर 18 ओके प्लीज टेल मी अबाउट कैंटीन ओके तो ये जो गेम है इन्होंने इस गेम का नेम जो रखा है गेम नेम क्या है पोस्टर गेम इस गेम का नाम इन्होंने पोस्टर गेम रखा है जिसमें इन्होंने क्या करना है कि ये इन्होंने एक दुपट्टा दिया हुआ है जिसे इस तरीके से फोल्ड किया जाएगा इसके ऊपर टाई करके फिर इन्होंने ये बिंदीज ली हुई हैं इन बिंदीज को बिना देखे बिल्कुल टारगेट इन्होंने रखा है ठीक है यहाँ टारगेट पे इन्हें इन बिंदीज को लगाना होगा अगर ये लगा देते हैं देन 20 rupees दे विल गेट ठीक है एज अ प्राइस दे विल गेट 20 rupees नाउ स्टॉल नंबर 17 ओके प्लीज टेल मी अबाउट सेटिंग ऑफ स्टॉल अगर कोई डांस परफॉर्म करना चाहता है प्लीज कम आप डांस भी कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल में
साथ साथ आप स्टॉल पे जो डिशेज है वो भी आप टेस्ट कीजिए और बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड कराइए। जिससे कि वो लोग आगे से और भी जो एक्टिविटीज है उनमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। मैं हूँ पटाखा, मेरा माजिस्टर कह रहा है माता, मैं हूँ
मेरे पापा तो 15,000 पटाखे लाए हैं। अरे बस मेरे पापा तो 25,000 पटाखे लाए हैं। भाई इसके पापा तो बहुत अमीर है। तुम्हारा सही है, किसी के 15,000 के किसी के 25,000 के तो पटाखे नहीं आए। आओ भाई सारे मिलकर पटाखे लाए। जी मैं हूँ क्योंकि मुझे अस्थमा है और मुझे इसकी इसकी जो हवा होती है उससे बहुत एलर्जी होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको रोका जाए। मैम क्या आपको पटाखों से दिक्कत है? मैं हार्ट पेशेंट हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जब ये जलते हैं तो मैं पूरी रात नहीं सो पाऊँ। मैम क्या आपको कुछ कहना है पटाखों के बारे में? पटाखे बनाते समय और जलाते समय कितने बच्चे दौर में गुजर रहे हैं? आज भी छोटे बच्चे कारखाने में काम कर रहे हैं सिर्फ आपके मजे के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहाँ एक पटाखे ने एक बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया है। मिलते हैं तो भाइयों और बहनों, मैं भरूंगा राम भरों से चौक पर जहाँ सुबह 7 बजे से पटाखों ने मचा रखा है कोहराम कोहराम कोहराम। आइए हम कुछ पीड़ित लोगों से मिलते हैं जो पटाखों की चम्मच में। जी मैं हूँ क्योंकि मुझे अस्थमा है और इसकी इसकी जो हवा होती है उससे बहुत एलर्जी होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको रोका जाए। क्या आपको पटाखों से दिक्कत है? क्या आपको पटाखों से दिक्कत है? हाँ। क्या आपको सर में दर्द हो रहा है? हाँ। क्या आपको सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? अब क्या मुझे अपना सर खोल के दिखाओ कि मेरे सर में कितनी तेज दर्द हो रहा है? तो देखो आप सबने कैसे सब लोगों को पटाखों से दिक्कत।
सब है, इसलिए हमें दिवाली के दिन दीप जलाने चाहिए, लड़ियाँ लगानी चाहिए, हमें पटाखे हमें पटाखों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए कुछ और बच्चों से मिलते हैं कि उनका क्या कहना है इससे पर। बहन आप क्या ढूंढ रही है? मैं अपने डॉगी को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो पटाखों के शोर से कहाँ चला गया। मैं अपने डॉगी को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो पटाखों के शोर से कहाँ चला गया। तो देखा आपने, इंसान तो इंसान सही, जानवर भी पटाखों से सुरक्षित नहीं है। तो आइए और लोगों से पूछते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। अम्मा आपका इस विषय पर क्या कहना है? अरे बेटा मैं तो कह कर थकी हूँ, कह कर थक गई हूँ कि पटाखे मत जलाओ मत जलाओ, लेकिन इन्हें तो कर लिया पैसों की बर्बादी। हम दिवाली क्यों मनाते हैं? राम जी के आगमन पर अमावस्या की रात दिए जलाए गए थे, पटाखे थोड़े ही फोड़े गए थे। दिवाली है, रंगोली बनाओ, मिठाई खाओ, खुशियाँ मनाओ, पर पटाखे मत फोड़ो। अम्मा जी आपको क्या कहना है इस विषय पर? बेटा मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। वाह माँ जी आपने क्या सीख ली है। आप है ना भाइयों, हम सब मिलकर ये पढ़ लेते हैं। आप है ना भाइयों, हम सब मिलकर ये पढ़ लेते हैं कि पटाखे नहीं चलाएंगे, घर को रंगोली और दिया